छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का एक 18 वर्षीय लड़का दशा समेत घाट बनारस में गंगा नदी में डूबा, अभी तक नहीं मिल पाई पार्थिव शरीर। आपको बता दें कि दिनांक 14/6/2022 को बलरामपुर रामानुजगंज जिले का एक परिवार जो कि जनपद पंचायत वाडफ नगर के ग्राम पंचायत बर्ती खुर्द का गंगा स्नान हेतु बनारस के दशा सुमेर घाट पर गए हुए थे। सुबह 6 बजे नहाने के दौरान लड़का, जिसका नाम अमीर पटेल बताया जा रहा है, जो कि अचानक ज्यादा पानी की ओर जाने से पानी में समा गया। वहां के स्थानीय प्रशासन आनंद फानन में बच्चे को निकालने को लेकर काफी अथक प्रयास करने के बावजूद भी 2 दिन गुजर गए, अभी तक लड़के का पानी में डूबे शरीर का कोई अता पता नहीं चल पाया। इस दुखद घटना से क्षेत्र में मातम सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस दशा सुमेर घाट पर जो व्यवस्था सुचारू रूप से चलना चाहिए, उस व्यवस्था को देखने से प्रतीत होता है कि उनका व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालन नहीं होता है। इस कारण आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। आपको बता दें कि दशा सुमेर घाट पर भारत के साथ साथ विदेश के भी श्रद्धालु गंगा स्नान हेतु पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार का शासन काल है, योगी सरकार को पूरे भारत में सराहा जाता है, परंतु घाट पर जो व्यवस्था संचालित है वो कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, जिसे प्रशासन को सुधारना चाहिए ताकि ऐसे दिन ऐसी दुर्घटनाएं सुनने को और देखने को न मिले। बीबीसी लाइव के लिए डिविजनल हेड राजू पटेल की खास रिपोर्ट।